हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्कल। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स का मल्टीप्लाई अगर हम स्केलर के साथ करें तो क्या कंडीशंस होगी, एंड वेक्टर का वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या कंडीशंस होगी। मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय ए स्केलर। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर किसी वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। If we multiply a vector, by a scalar s, we get a new vector. Its magnitude is the product of the magnitude of a vector and the absolute value of s. Its direction is the direction of a vector if s is positive, but the opposite direction if s is negative. Agar hum dekhein with this diagram, इफ़ एस इज़ पॉजिटिव, अगर एस पॉजिटिव है तो यहाँ जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एस नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड जो है उसकी आगे क्या आ जाएगी, डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी। मल्टीप्लाइंग अ वैक्टर बाय ए वैक्टर, अगर वैक्टर का वैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए। देखो यहाँ पर टू वेज हैं जिनके द्वारा हम वैक्टर का वैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो आने वाली क्वांटिटी भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर हम वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर प्रोडक्ट, और आने वाली जो क्वांटिटी होगी वो भी कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्केलर प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा हम लिख सकते हैं। डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी है, लेकिन इनका यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए आने वाली जो क्वांटिटी है यानी जो वर्क है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। उसी तरीके से अगर हम पावर की बात करें तो वो क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। यहाँ हम जो प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं वो एक डॉट प्रोडक्ट है, वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर्स का जब स्केलर प्रोडक्ट होता है तो आने वाली क्वांटिटी भी कैसी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू एफ वी कोस थीटा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट, a dot product can be regarded as the product of two quantities, the magnitude of one of the vectors, the scalar component of the second vector along the direction of the first vector. अगर हम बात करें along the direction of first vector, ये जो होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये a vector है, ये b vector है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं b cos theta, b cos theta की direction a cos ए के अलोंग होगी। उसी तरीके से यहाँ पर ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के अलोंग ए कोस थीटा की डायरेक्शन होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे ए कोस थीटा बी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट हटाएंगे कोस थीटा आएगा। उसी तरीके से अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें तो बी ए कोस थीटा आता है। इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो हम बात करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की, तो यहाँ होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसकी ओवर एडिशन पर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। दो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स हैं तो यहाँ थीटा 90 डिग्री आएगा, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, तो पूरी टर्म हो गई है जीरो। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें मिलता है जीरो। उसी तरीके से अगर हम टू पैरेलल वेक्टर्स लें तो थीटा आ जाएगा जीरो डिग्री, कोस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है वन, तो ए बी यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है टू वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट की, अगर दोनों वेक्टर्स कैसे हों, पैरेलल वेक्टर्स हों।
अगर दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो और उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा हो तो यहाँ पर कोस 180 लिखेंगे। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, देन यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू -AB। तो ये क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, तो मैक्सिमम नेगेटिव ये होगा -AB। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट्सेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर किसी एक वेक्टर का उसी के साथ ही एक स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो ये उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज 1 एंड टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज 0। अगर एक यूनिट वेक्टर का उसी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी स्केलर प्रोडक्ट हो रहा हो, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, 1 आता है। लेकिन अगर डिफरेंट वेक्टर्स हैं, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे आई एंड जे का स्केलर प्रोडक्ट है, जे एंड के का स्केलर प्रोडक्ट है, एंड के एंड आई का स्केलर प्रोडक्ट है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 0। कैलकुलेटिंग स्केलर प्रोडक्ट यूजिंग कॉम्पोनेंट्स, अगर कॉम्पोनेंट्स का यूज़ करके स्केलर प्रोडक्ट का कैलकुलेशन किया जाए, देन कैसे कैलकुलेशन होगी। ए वेक्टर का हम इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख लेते हैं इसको ax, ay एंड az विद देयर यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k। उसी तरीके से बी वेक्टर इक्वल्स टू bxi प्लस byj प्लस bzk। इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करें तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। axi का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस AYJ का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस AZK का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब i कैप एंड j कैप एंड k कैप मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ वैल्यूज़ होगी 1, अदरवाइज i.j, i.k, j.i, j.k, k.i, k.j, इन सब की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, क्योंकि ये ऐसे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका स्केलर प्रोडक्ट होता है 0। देन अपने पास i.i ये वाली इक्वेशन, j.j ये टर्म एंड k.k ये वाली टर्म, यानी तीन टर्म्स हमारे पास बचती है जिनके वैल्यूज़ k.k, j.j एंड i.a की वैल्यू हो जाती है 1। तो हमारे पास तीन टर्म्स आती है axbx प्लस ayby प्लस azbz। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स का यूज़ करके स्केलर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स की। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ क्रॉस आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा आएगा एंड ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है। और आने वाली जो क्वांटिटी होगी, मान लीजिए सी वेक्टर सी है, तो ये जो क्वांटिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। राइट हैंड रूल, यहाँ ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे हाथ की उंगलियाँ रिप्रेजेंट कर रही है, और तीसरा जो वेक्टर होगा वो सी वेक्टर होगा, यानी ये थंब जो है वो तीसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ हम बात करें अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई है हमारे पास, तो तीसरा वेक्टर ये होगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दो वेक्टर्स क्वांटिटी का अगर वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आने वाली क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा, एक एन केप लग जाएगी डायरेक्शन के लिए। उसी तरीके से अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो एंगुलर मोमेंटम होता है पोजिशन एंड लीनियर मोमेंटम का मल्टीप्लाई। और कैसा मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, यानी एक वेक्टर मल्टीप्लाई है। वेक्टर प्रोडक्ट होने के कारण आने वाली जो क्वांटिटी है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जैसे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। ये मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय टू वेक्टर्स है, ये एरिया है पैरेललोग्राम का। तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे, देन ए बी साइन थीटा भी इसको लिख सकते हैं, एंड ए साइन थीटा बी भी इसको लिख सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग को बताता है वेक्टर प्रोडक्ट की।
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। द वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट की, तो स्केलर प्रोडक्ट कैसा था? कम्यूटेटिव था, लेकिन ये जो है वो एंटी कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि जैसे ही ए क्रॉस बी करने के बाद बी क्रॉस ए किया जाता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी है द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे देन इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये इसकी ओवर एडिशन। थर्ड हम बात करें द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। अगर वेक्टर प्रोडक्ट हम बात करें टू वेक्टर्स का, तो यहाँ अगर दोनों वेक्टर्स कैसे हों, परपेंडिकुलर हो, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, देन ए बी ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू आती है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर पैरेलल वेक्टर्स की बात करें कि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, देन साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, तो ये जो है वो एक नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। एंटी पैरेलल के लिए भी क्या होगा, नल वेक्टर होगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट्सेल्फ इज अ नल वेक्टर। अगर एक वेक्टर का दूसरे के साथ वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वापस एक नल वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। अगर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के करें तो ये भी एक क्या होगा, नल वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, 0 है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज अ थर्ड यूनिट वेक्टर। अगर हम आई क्रॉस जे करें तो के वेक्टर आएगा, जे क्रॉस के करें तो आई वेक्टर आएगा, के क्रॉस आई करें तो जे वेक्टर आएगा। उसी तरीके से अगर इनकी हम डायरेक्शन चेंज करें, आई क्रॉस जे नहीं करके हम जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के आएगा, जे के नहीं करके के एंड जे का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आई आएगा, एंड के क्रॉस आई नहीं करके आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे कैप आएगा। 8 टू मेमोरी। यहाँ पर देखिए, अगर हम प्लस कब आता है ये वेक्टर्स, अगर आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, के साथ जे के साथ के का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, एंड के साथ आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आएगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को उल्टा कर दें, यानी जे का आई के साथ, आई का के साथ, के का जे के साथ अगर मल्टीप्लाई हो, तो आने वाली जो थर्ड अपने पास यूनिट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैलकुलेटिंग वेक्टर प्रोडक्ट यूजिंग कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट का यूज़ करके अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करें तो वो क्या होगा, देखिए, अगर हमने कॉम्पोनेंट्स में ले लिया, तीन कॉम्पोनेंट में ले लिए ए एंड बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स आई का इन तीनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए वाई जे का तीनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसी तरीके से ए जेड के का इन तीनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब आपने इसकी प्रॉपर्टी में देखा कि अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तब तो कोई डिफरेंट जो थर्ड जो यूनिट वेक्टर है वो आएगा, लेकिन अगर आई का आई के साथ, जे का जे के साथ एंड के का के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वैल्यूज़ हो जाएंगी 0। तो वही प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। देखिए, यहाँ पर आई क्रॉस आई है, ये वैल्यू 0, आई क्रॉस जे जो है वो हो जाएगा के, ये यानी यहाँ पर ये के आ गया, थर्ड में आई इंटू के है तो ये आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस जे, जे का आई के साथ हो रहा है तो माइनस के आ जाएगा, जे का जे के साथ हो जाएगा 0, जे का के साथ हो जाएगा आई, के का आई के साथ हो जाएगा जे, के का क्रॉस मल्टीप्लाई जे के साथ माइनस आई, के का के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई 0। तो अपने पास टर्म्स बचती हैं 6 टर्म्स, जिसमें 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव हमारे पास टर्म्स आती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये आई है एंड यहाँ भी आई है, दोनों में से आई हम कॉमन ले सकते हैं, देन हमारे पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई बचता है। तो हमने क्या ले लिया,
छओ जो हमारे पास छह टर्म्स थी उनमें से हमने आई कैप, जे कैप एंड के कैप कॉमन लेके दो दो टर्म्स का इस तरह से कैलकुलेशन कर ली है। तो इसे हम देखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।